हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए एक और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से सिविल इंजीनियर की जॉब रिक्रूटमेंट लेके आए हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड वीथ इस कंपनी का नाम है, यहाँ से भी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। बच्चों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम है या फिर हम फ्रेशर हैं, तो आप हम पे ज़्यादा फोकस करो ताकि हम लोग भी इस जो एमएनसी की जो जॉब आती है उसमें अप्लाई कर सके। तो आज हम बहुत ही छाट के ढूंढ के आप सबके लिए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है तो उस केस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम की जॉब है। इसी के अलावा इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिए। बेनिफिट इससे आपका ये होगा कि हमारे चैनल पर जितनी भी अपडेट्स आती हैं सबकी जानकारी आपको अपने फ़ोन पर आ जाएगी, जिसमें वेबसाइट का लिंक, अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब आपको हमारे ही अपने ही फ़ोन पे मिल जाएगा। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। दिस इज़ कमिंग फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल सुपरवाइज़र। यहाँ पे पहले आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यूजली कोई भी एमएनसी जब भी हायरिंग करती है मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो आपको एकदम से रेगुलर परमानेंट नहीं कर लेती है। वो पहले आपको 6 महीने या साल भर का प्रोबेशन पीरियड देती है, जिसे हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब कहते हैं। फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस पसंद आती है और अगर आप उस कंपनी में कंटिन्यू काम करते हो, तभी आपको वो कंपनी रेगुलर करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको 6 महीने बाद हटा देगी, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। ये जो जॉब है 28 नवंबर को पब्लिश हुई है। लोकेशन इसमें आपकी इंडिया रहने वाली है। कंपनी का नाम ब्लैक एंड वीथ फैमिली ऑफ कंपनीज रहने वाला है। तो आपका जॉब टाइटल है दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट BVFPL के अंडर। यहाँ पे आपको फील्ड कंसल्टेंट की ऐसा जॉब करनी होगी। वर्क लोकेशन इंडिया हैदराबाद रहने वाली है। फुल टाइम जॉब है। जॉब का स्टेटस होएगा पहले टेम्परेरी होगा, लेकिन कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसी के अलावा जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मॉनिटरिंग वेरीफाइड एंड रिपोर्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर कंप्लायंस विद CPM शेड्यूल, ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑफ ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल एक्टिविटीज एंड कमोडिटी इंस्टॉलेशन, असिस्ट क्राफ्ट्स इन resolving problem and report on issue related to drawing and information scheduling schedule quality quantity tracking cost reporting and safety। बेसिकली पूरा जो एक एस्टिमेशन और जो साइट सुपरवाइजर का काम होता है या जो साइट इंजीनियर का काम होता है वही यहाँ पे आपका रहने वाला है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ बहुत सादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले की 2-3 लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। बेसिकली काम करवाना है, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम करवा रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं मांगा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा का प्रोजेक्ट होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सुपरविजन वाले प्रोजेक्ट में। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल या फिर कोई भी उसका केस नहीं होना चाहिए, आप कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आपके पास आपका ये DL ज़रूर होना चाहिए, ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। सबके पास आई थिंक आज के टाइम में होता ही है। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो फिज़िकल डिमांड्स हैं वो ये होएगा कि आप थोड़ा बहुत आपको सामान उठा लेना है, चलना दौड़ना भागना जो एक फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स होती है वो यहाँ पे आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका सैलरी है वो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू में आप किस हद तक जा सकते हो, ठीक है, आप कितना नेगोशिएट करते हो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा है या फिर अगर डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, हाई स्कूल डिप्लोमा है, या फिर अगर डिग्री है इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन में तो उस केस में भी, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में डिग्री है तब भी जा सकते हो। इन शॉर्ट डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर जो भी MNC की जॉब होती है वो इतनी क्लियर स्पेसिफिक उसकी क्वालिफिकेशन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से हमेशा ये लोग क्वालिफिकेशन निकालते हैं। हमारे इंडिया में सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री चलता है, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन देश में बात करते हैं तो वहाँ पे हाई स्कूल डिप्लोमा और ऐसा ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग कहा जाता है, तो ये भी उसी सेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हाई स्कूल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कोई एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है या फिर कोई और सर्टिफिकेट है तो आपके लिए एक तरह का एडेड
एडवांटेज रहने वाला है, ठीक है। बाकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी रहेगी, ऑन एंड स्टार्टिंग सैलरी कुछ नहीं तो आपकी 45,000 के आसपास हो जाएगी। एमएनसी में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है। इसी के अलावा अगर आप में पोटेंशियल होता है तो आप बाहर के प्रोजेक्ट्स भी आपसे लोग आपको मिलते हैं करने को, तो आउट ऑफ इंडिया भी आप लोग जा सकते हैं, तो आपका जो करियर बूस्ट होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक बहुत शानदार जॉब है, प्लीज़ इसे मत छोड़िएगा, हर कोई भरिएगा। बाकी ऐसे ही जॉब अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आता है, अगर हमारी मेहनत पसंद आती है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।